नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे कोने वीडियो में। आज हम आपको बताने वाले हैं काइन मास्टर ऐप में आप स्लो मोशन में वीडियो कैसे करते हैं, स्लो मोशन की जो एडिटिंग है वो कैसे होती है काइन मास्टर में, जिसकी जानकारी आपको इस वीडियो मिलने वाली है। वीडियो को पूरा देखें क्योंकि हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं कैसे आप काइन मास्टर से वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, कैसे आप उस ऐप में स्लो मोशन का जो फीचर है वो आप यहाँ पर यूज करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको काइन मास्टर खोल के दिखा देते हैं। काइन मास्टर पर आप जैसे जाएंगे, ये नए तरह का वर्जन आ चुका है, नया वर्जन इस ऐप का आ चुका है काइन मास्टर का, आप देख रहे होंगे। यहाँ पर आपको सबसे पहले क्रिएट पर क्लिक करना है। क्रिएट का ऑप्शन आपको सबसे पहले ही मिल जाता है सबसे ऊपर। यहाँ पर आपको क्रिएट नाउ पर क्लिक करना है और रेशियो सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी रेशियो में आप वीडियो बनाना चाहते हैं। जैसे कि मैं आपको इस टिकटॉक वाले जो शॉर्ट वाला रेशियो है उसमें हम आपको दिखाते हैं कि उसमें स्लो मोशन में आप वीडियो अपना कैसे एडिट कर सकते हैं। आपके सामने ये खुल चुका है और हम आपको एक वीडियो सेलेक्ट करके दिखा देते हैं जो कि मेरा वीडियो है। मैं आपको उसको दिखा देता हूँ कि कैसे आप उस वीडियो को आसानी से अपने स्लो मोशन फीचर से एडिट कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक वीडियो में अपना दिखा देता हूँ आपको, जैसे कि ये मेरा वीडियो है और इसको मैं आपको स्लो मोशन में एडिटिंग करके यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसे मैं ये यहाँ पर आपको टाइमलाइन पर अपना वीडियो ले आना है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको जिस भी पोर्शन को स्लो मोशन में करना है वहाँ तक आपको इस स्क्रॉल करते हुए यहाँ पर ले जाना है इतना, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक कट मार देना है। कट के लिए आपको यहाँ पर जाना है, आप देख रहे होंगे ट्रिम एंड स्प्लिट लिखा है, कैंची बनी हुई है। यहाँ पर आपको जाना है और ये स्प्लिट लिखा है तीसरे नंबर पर, उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो ये कट हो गया, यानी कि दो पार्ट हो चुके वीडियो के, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। लेकिन रहेंगे सेम ही, चलेंगे सेम ही, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको चला के दिखा देता हूँ, ये आप देख रहे होंगे सेम ही चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको ये पहले वाले पार्ट को स्लो मोशन में करना है तो आप यहाँ पर इस वाले पार्ट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद स्पीड पर जाएंगे और जिस भी स्पीड में आपको चाहिए है, आपको अगर आपको छोटा करना है बड़ा करना है तो वो आप यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। जैसे मुझे छोटा करना है मतलब स्लो मोशन में करना है, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको कर सकते हैं, देखो 0.5 पर लेके आप कर सकते हैं। अगर आपको और स्लो करना है तो और पीछे भी जा सकते हैं, तो मैं 0.5 पर कर देता हूँ। अगर आपको इसकी ऑडियो म्यूट करनी है तो आप ऑडियो म्यूट कर सकते हैं, या की पिच करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। 2x ये करना है तो आप ये भी यहाँ से कर सकते हैं। बाकी मैं मुझे स्लो मोशन में करना तो मैंने कर दिया है, आप यहां से बैक हो सकते हैं। और अब आप यहां पर देखेंगे कि ये मेरा जो वीडियो था वो स्लो मोशन में उतना वाला पार्ट है जो हो चुका है, आप देख रहे होंगे ये वाला पार्ट मेरा बिल्कुल स्लो मोशन में हो चुका है। और जो दूसरा पार्ट है वो जो नॉर्मल था वही है, यहां से आप देख रहे होंगे ये नॉर्मल ही है। तो ये मैंने आज आपको बताया है कि आप स्लो मोशन में वीडियो की एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। अगर आपको पूरे वीडियो करना है तो पूरे वीडियो को सिलेक्ट करके आप यहाँ पर स्पीड पर जाकर इसको आप स्लो मोशन में कर सकते हैं, आप देख रहे होंगे ये भी स्लो मोशन में हो गया पूरा वीडियो। तो जितने भी पार्ट को आप चाहें उस पार्ट को आप आसानी से स्लो मोशन में एडिट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर एक्सपोर्ट पर जाना है और आप आसानी से इस ऐप से वीडियो को अपने एक्सपोर्ट कर सकते हैं और आसानी से वीडियो एडिट कर सकते हैं। अगर आपको और भी ऐसे वीडियो देखने हैं और भी एडिटिंग सीखनी है, शॉर्ट वीडियो कैसे बनाए जाते हैं, कैसे एडिटिंग की जाती है, कैसे उसमें बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं, क्रोमा की का यूज़ कैसे किया जाता है, ग्रीन स्क्रीन का यूज़ कैसे किया जाता है, तो इस सभी के लिए आपको इस चैनल पर वीडियो मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही इस वीडियो को लाइक करके शेयर भी जरूर कर दें।